यार आजकल ना डब्स वाले केज में रह रहे हैं दोनों मुर्गा मुर्गी, इनको ना बंद कर देते हैं फटाफट से क्योंकि हम जा रहे हैं बहुत सारे बर्ड्स लेने। तो यार मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो है ना बर्ड्स काफ़ी कम है, बट जो है ना हमारी एवरी काफ़ी जो है ना बड़ी है। तो आज हम जाएंगे ज़्यादा सारे बर्ड्स लेने, फिंचेस भी लाएंगे, डायमंड डब भी लाएंगे, सारा कुछ लाएंगे। यार आ गए हमारे न्यू बर्ड्स। भाई तुम लोगों का नया घर जो है ना ये है, ठीक है? तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं भागना, ओके? भाई तुम इन सबसे मिल लो। ये देखो तुम्हारे नए दोस्त आए हैं, खा मत जाना इनको भी। अस्सलाम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो यार मैं लाया हूँ दवाई अपनी जो है ना फिंचेस और डायमंड डब और जो है ना सारे डब्स के लिए, क्योंकि ना आप पता है ना हमारी वो वाली डायमंड डब जो है ना थोड़ी सी सुस्त है और हमारी एक फिंच जो है ना वो कल रात से छींके मारी। और वैसे ना हमारी फिंचों ने मेरे ख्याल से ना वो वाली जो है ना मटकी जो है ना एक्सेप्ट कर ली इतनी जल्दी, और जो है ना अभी तक भी जो है ना वो अंदर है उसके। तो पहले सुबह तो मुझे लगा कि ना वो कहीं से उड़ गई हैं, पर वो उसके अंदर बैठी हुई हैं और अभी भी ना अंदर हैं। तो यार मैंने ना इनको सुबह से ना पानी नहीं डाला, तो इनको ना पानी डालकर उसमें दवाई मिक्स कर देते हैं। और ये मैंने ना एक ढक्कन ले लिया, इसको अब जो है डाल देते हैं इसके अंदर। इनका जामा शरीर जो है वो रेडी हो गया और जो है ना सब वेट कर रहे हैं पानी पीने के लिए। देखो सब जो है ना पानी पीने आ रहे हैं, तो मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ और इनको पानी पीने देता हूँ। मैं बताता हूँ कि रात को क्या सीन हुआ है। सर आपको तो पता है कि हम जो है ना कल ये येलो कलर का मेल लाए थे अपनी वाइट और ब्लू कलर की फीमेल के लिए। तो कल जब मैं इनको जो है ना दाना और पानी डालने लगा ना शाम को, तो वो उड़ गई और का मगरिब का भी टाइम हो गया था, वो सीधा यहाँ से ऐसे उड़ी और ना सीधा इधर को हुई। और उसकी इतनी ज़्यादा फ्लाई थी, अलग छोटे से केज में थी और एक दिन ही बड़े केज में रही, फिर भी उसकी इतनी ज़्यादा फ्लाई हो गई थी वो उड़ी और गायब हो गई। तो मगरिब का टाइम था, मैंने फिर इनको सबको दाना डाला क्योंकि हमें ना काफ़ी लेट हो गई थी कल बर्ड मार्केट में। तो मैंने वाली बेबी को इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है और हमारी डायमंड और फिंचेस थोड़ी सी हवा चलने से जो है ना उनके हाल देखो क्या हो गए हैं, बीमार हो गई हैं। यही जो डायमंड और फिंचेस होती हैं ना उनसे सब्जी जो है ना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती। इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि फुल प्रोटेक्शन वाला केज है और ये जो है ना ज़्यादातर बर्ड्स हैं तो खुश भी रहेंगे। और ये है यार हमारे पिजन्स का ना गंदा सा घर, पर ये जो है ना इस घर में से शिफ्ट होने वाले हैं आज का टाइम पर। तो ये जो है ना लास्ट साइड है इस घर में, बेचारों को ना हम बता देते हैं भाईजन तुम अपने सेटअप पे वापसी जा रहे हो गंदे से किचन से, ओके? इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डाइट आई है हमारी इन बकरी की। ओए तुम लोगों ने तो अभी खाना चाहिए यार, इसमें ना दुनिया की हर चीज़ है, अभी खाएं और खुश है। हमारी बकरियों को ना अपनी डाइट से ज़्यादा जो है ना हमारा किचन वेस्ट पसंद है, तो जो है ना जो भी किचन वेस्ट होता है ना मैं इनको ला के डाल देता हूँ। ये है हमारे किचन का ना न्यू केज, अब इसको जो है ना थोड़ा गंदा हुआ है पर जो है ना इसकी सफाई सफाई हो जाएगी, कोई मसला नहीं। और ना ये केज थोड़ा सा ना उनके लिए छोटा है, काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ी कमरे से आ रहे हैं, पर जो है ना ठीक है काफ़ी इनके लिए क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर यहाँ बंद रहा करना, फिर जो है उनको हम खोल दिया करेंगे अभी वो उड़ा करेंगे। और काफ़ी हमारी सारी डब ने जो है ना बास्केट सेलेक्ट कर ली है, फिर कल जो है ना हमने इनमें डालना ज़्यादा सारा नेस्टिंग मटीरियल ताकि हमारी फिंचेस भी ले जाएँ, हमारी डायमंड अब तो नहीं लेती नेस्टिंग मेरे ख्याल से, और जो है ना हमारी ये सारी डब जो है ना ले लें। और ना एक मसला है पर हमारी जो है ना फिंच कह रहा हूँ हमारी डायमंड अब ये वाली थोड़ी सुस्त है, दुआ मांगना कि ठीक हो जाए। अभी तो यार शाम का टाइम हो गया, हमें तो कहीं से भी जो है ना नेस्टिंग मटीरियल नहीं मिलेगा, वरना मैं अभी ला के इनके फ्रेंड पर फेंक देता। इनका
निकाल दिए क्योंकि सुबह सुबह जो रहती है ना काफ़ी ठंड होती है इनके लिए, तो ये ठंडा ठंडा कर सुबह पानी पीएंगे ना इनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो फर्स्ट टाइम उठ के ना इनके लिए ताज़ा पानी डाल दूँगा। तो लाइट कर देते हैं ऑफ, इनसे मिलेंगे हम सुबह।